ंग hey वेल well. और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आईपीओ 5 के उम्मीद करती हूँ इससे पहले जो आपको सेशन दिया है उससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी जैसे ही मैंने वीडियो को अपलोड किया है मेरे पास इतने तेजी से कमेंट्स आए कि मैं बता नहीं सकती हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि नीड बहुत ज्यादा थी दूसरी चीज ये मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है आप लोगों को परेशान करने का ना ही कभी था और ना ही कभी होगा क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ तो एग्जाम का प्रेशर भी समझ सकती हूँ और ये भी समझ सकती हूँ बैक ही आ जाएगी या फिर किसी तरीके से बस पास ही हो जाए सिर्फ यही दो फीलिंग्स दिमाग में चलती हैं ये मैं खुद भी समझती हूँ और ये सब सेशंस मैं पहले दे देती लेकिन खुद भी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा लेकिन एक चीज जो बहुत ज़्यादा हिट की जिसके वजह से मैंने ये वीडियो बनाया वो ये थी कि स्टूडेंट्स मुझे यही मैसेज कर रहे थे कि मैम हम जून पेपर दे सकते हैं अगर इस टाइम पे हमारा बैक आ जाए तो मैं ये नहीं चाहती किसी का भी बैक आए मैं चाहती हूँ थ्रू पढ़ रहे हैं या मेरी वजह से कहीं भी एक पर्सन की भी अगर उनकी हेल्प हो रही है तो उनकी बैक ना आए एक ही बार में वो अपने पेपर्स को क्लियर कर दें पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है एम कॉम में ठीक है और एक चीज और बता दूं आपका जो आई बी फाइव है उसकी यूनिट फाइव जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग उसमें लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है हैंडलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर और वहां पे लिखा है कि इस टॉपिक के लिए आप आईबीओ फोर की बुक को रिफर करिए ठीक है, है तो ये टॉपिक मैंने आईबीओ फोर में आपको पढ़ाया हुआ है ठीक तो उसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है कुल शायद इसके तीन पार्ट्स मैंने वीडियो बनाए थे तो जो पिछली वीडियो अभी मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि लॉन्ग में उसके आने के चांसेस हैं आईबीओ फोर में अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था वो तो हो सकता है आईबीओ फाइव में भी पूछ ले तो ट्वेंटी मार्क्स एक तरीके से बोनस मार्क्स हो जाएंगे अगर वो पूछ लेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका आईबीओ फोर में वो प्रिपेयर था ही ठीक तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अब बहुत से स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो रही होगी मुझे पता है ट्राम शिपिंग में लीनियर शिपिंग में ट्राम चार्टरिंग प्रैक्टिस जैसे आपका वॉय चार्टर हो गया टाइम चार्टर हो गया बेयरबोर्ड चार्टर हो गया इन सब में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी क्लियर नहीं हो रही थे और काफी क्वेरीज भी आ रही थी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि चांसेस भी हैं कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आए शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग आएगा और लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट मतलब पेपर में आने के चांसेस पूरे हैं इसलिए ये आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ठीक देखिए दो तरीके के आपकी शिपिंग सर्विसेज होती हैं ठीक है एक होता है आपका ट्राम शिपिंग और दूसरा होता है आपका लीनर शिपिंग सर्विसेज ठीक और दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए पेपर में डिफरेंस भी पूछा जाता है देखिए ट्राम शिपिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये पर्टिकुलर शिपिंग सर्विस कैसी होती है हमारी इरेग्युलर इन नेचर होती है इेगुलर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना रूट डिसाइडेड होता है ना टाइम डिसाइडेड होता है ना ही पोर्ट डिसाइडेड होता है तो ये बहुत ही फ्लेक्सीबल या फिर कन्वीनियंट शिपिंग सर्विस कहलाती है जहां पर कुछ भी एक फिक्स रूट या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फिक्स डायरेक्शन भी नहीं है कहां पर पोर्ट है कौन से पोर्ट पे पर्टिकुलरली पर पर जाना ये सब कुछ भी इसमें नहीं होता है ठीक अब तो यहाँ पर एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि मैम जब ट्राम शिपिंग इरेग्युलर होती है यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं डिसाइडेड है कोई टाइम नहीं डिसाइडेड है तो इस शिपिंग सर्विस को क्यों प्रैक्टिस किया जाता है या फिर कौन करता है तो ये शिपिंग सर्विसेज बेसिकली बल्क कार्गो को को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है जिसमें हमको डिलीवरी की बहुत तेज जरूरत नहीं होती मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमको तुरंत इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या कार्गो की डिलीवरी चाहिए इस पर्टिकुलर जगह पे तो ऐसी जगह पे क्या होता है यहाँ पर ट्राम शिपिंग यूज किया जाता है जहां पर हमको बल्क कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना है जिसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि अगर कोई चीज हमारे लिए प्रीशियस हो कि अगर कार्गो हमारा वैल्यू ज्यादा है उसकी अगर उसकी तो ऑब्वियस बात है हम क्या चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर रूट हो उसका एक पर्टिकुलर टाइम हो एक पर्टिकुलर पोर्ट हो जहां पर हम अपने गुड्स को क्या करें या कार्गो को क्या करें अनलोड करें लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है तो जो हमारे लो वैल्यू के कार्गो होते हैं वो ट्राम्प शिपिंग सर्विसेज के थ्रू क्या किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट किए है? जाते हैं ठीक है देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं ट्राम्प का अगर सिर्फ मीनिंग की बात करूं सिर्फ ट्रैम्प की मीनिंग की तो इसका मतलब होता है होमलेस ठीक है होमलेस प्लेस टू अनदर इसको ऐसे याद रख लीजिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इसको ऐसे याद रख लीजिए अब भटकती आत्मा होती है जैसे एक जगह तो रहती नहीं है है ना एक जगह से दूसरी जगह घूमती है तो ट्राइम शिपिंग को ऐसे याद रख लो याद भी रहेगा कि ट्राइम शिपिंग क्या होती है भटकती आत्मा होती है होमलेस होती है कोई इसका सेट पैटर्न नहीं होता कोई इसका घर नहीं होता कि वो एक ही जगह पर फिक्स्ड हो ठीक ये टाइम टू टाइम क्या होगी एक जगह दूसरी जगह चेंज होती जाएगी जैसे भटकती आत्मा होती है एक जगह दूसरी जगह घूमती रहती है ठीक है और ये सब चीजें सिर्फ याद रखने के लिए मैंने बताई है प्लीज पेपर में कोई लिख के मत आ जाना कुछ भी ऐसा गलती से भी लिटरली बता रही हूं एग्जामिनर हमारी आत्मा को भटका देगा ठीक है ना ये सब याद रखने के टेक्निक होते हैं क्योंकि पेपर में ऐसे ही फिर याद भी आता है अगर आप रट्टाफिकेशन करके जाओगे ना सोचोगे एकदम ऐसे दिमाग में बैठा लूँ पक्का भूल जाओगे इसीलिए सुबह से आप लोग शायद परेशान भी थे मैं समझ सकती हूँ चलो आई होप टाइम शिपिंग समझ में आ गया होगा डिटेल अपने आप पढ़ना ना क्यूँकी अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने में जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी ठीक है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब नेक्स्ट है हमारा लीनर शिपिंग अभी हमने समझा ट्राम शिपिंग जिसमें क्या होता है कि ट्राम शिप क्या होता है बेसिकली इेगुलर होता है कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है कोई भी पोर्ट का डिसाइडेड नहीं होता है लेकिन लीनर शिपिंग इसका जस्ट ऑपोजिट होता है जहां पर आपके पास एक स्टैब्बलिश्ड रूट भी होता है एक पर्टिकुलर सेलिंग डेट भी होती है हो और पर्टिकुलर आपके टेर भी यहाँ पर डिसाइडेड होते हैं तो मतलब कि कह सकते हैं कि जो लीनियर शिपिंग होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है है ना किसी चीज के अगर नॉर्म्स बने हुए हैं ऑलरेडी चीजें सेट हैं तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी और वहीं अगर हम ट्राम शिपिंग की बात करें तो वो कैसा है नॉन स्टैंडर्डाइज है क्योंकि वहां पर कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं है ठीक तो शिपिंग सर्विस डेट ऑपरेट ऑन एन स्टैब्लिश्ड रूट एंड पब्लिश सेलिंग डेट्स एंड पब्लिश टेरिस ठीक आई होप समझ में आया होगा तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि लीडर शिपिंग क्या होती है और ट्राम शिपिंग क्या होती है ठीक अब इसका हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पेपर में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है ठीक देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सर्विस की तो यहाँ पे क्या लिखा है रेगुलर एंड कंसिस्टेंट वेदर कार्गो इज अवेलेबल और नॉट तो अभी मैंने आपको लीनर में बताया था कि कैसा होता है स्टैंडर्डाइज होता है स्टैंडर्डाइज मतलब क्या हो गया कि ये इसका एक स्टैब्लिस्ड पोर्ट होगा स्टैब्लिस्ड टाइम होगा और जो भी इसके प्रॉपर टेरिफ हैं वो भी पहले से पता रहेंगे तो ये रेगुलर और कंसिस्टेंट है चाहे आपका कार्गो अवेलेबल हो और चाहे अवेलेबल ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर हम ट्राम शिपिंग की बात करें तो ये कैसा है इरेगुलर एंड डिसकंटिन्यूस इफ कार्गो इज नॉट अवेलेबल अगर कार्गो अवेलेबल नहीं है तो ये इरेगुलर डिस्कटिन्यूस रहेगा ठीक मतलब ये कैसा है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज ठीक जहां पर कोई सेट रूट नहीं है जहां पर सेट टाइम नहीं है ना ही फ्रेट चार्जेस पहले से डिसाइडेड है ठीक नेक्स्ट बात करी जाए अगर कार्गो की तो किस टाइप के कार्गो को यहां पर कैरी करता है कार्गो मतलब आई समझते होंगे आप गुड्स ठीक तो यहाँ पर लिखा है जनरल कार्गो हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू के अभी मैंने आपको बताया ट्राम शिपिंग में क्या होता है बल्क कार्गो होता है लेकिन वो लो वैल्यू लो वैल्यू के प्रोडक्ट्स को या फिर कार्गो को हम इसीलिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं ट्राम शिपिंग सर्विसेज में क्योंकि यहाँ पर कोई सेट टाइम नहीं होता है तो अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ठीक तो ट्राम शिपिंग में क्या होता है बल्क कार्गो कैरी किया जाता है लेकिन डीनर शिपिंग में जनरल कार्गो लेकिन उसकी हाई वॉल्यूम और हाई वैल्यू होती है इसलिए उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड करी जाती है ठीक नेक्स्ट है हाई वेराइटी यहां पर ऑब्वियस बात है वेरायटी क्या होंगी कम होगी हेट्रोजीनियस कार्गो रहता है और यहां पर आपके होमोजीनस आई होप आपको डिफरेंस पता होगा हेट्रोजीनियस मतलब डाइवर्जन काफी रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्गो अवेलेबल होते हैं लेकिन होमोजिनियस क्या मतलब हुआ सेम ही कैटेगरी के कार्गो यहाँ पर अवेलेबल होंगे ठीक नेक्स्ट है पार्टली लोड्स और ये लिखा है यहाँ पर शिप लोड्स अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि लीनर शिपिंग सर्विस में जब गुड्स को या फिर कार्गो को लोड किया जाता है तो उन्हें पार्टली लोड किया जाता है मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि शिप को पूरी तरीके से भर दिया वेसल को पूरी तरीके से भर दिया ये किस में होता है ट्राम शिपिंग सर्विस में इसमें लिखा है ना शिप लोड्स मतलब कि जितना सामान आ जाए जितना कार्गो आ जाए उसमें उतना ज्यादा उसमें भर दो तो ये ठीक है तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया लीनर में क्या होता है जनरल कार्गो होता है लेकिन वो हाई वैल्यू और हाई वॉल्यूम का होता है ट्राम्प में क्या होता है बल्क कार्गो होता है लेकिन वो लो वैल्यू का रहता है लो वैल्यू का है तो उसकी वैरायटी भी लो रहती है ठीक यहाँ पर वैरायटी कैसी रहती है हाई रहती है यहाँ पर प्रोडक्ट आपके हेट्रोजीनियस होते हैं कार्गो आपका हेट्रोजीनियस होता है लेकिन ट्राम्प शिपिंग सर्विसेज में होमोजीनियस होता है ठीक यहाँ पर शिप को या वेसल को पार्टली लोड किया जाता है पूरी तरीके से नहीं भरा जाता है लेकिन ट्राम्प शिपिंग में जितना आ जाए उतना भर दो तो. ठीक इसको इस तरीके से याद रख लो अगर याद रखना चाहो वैसे अगर आई होप आपको याद ही हो गया होगा जैसे देखते नहीं हम लोग जो आपकी थ्री व्हीलर्स होती हैं टेम्पोज होती हैं ई रिक्शा होते हैं उसमें उन लोग का बस चले तो एक के ऊपर एक को बैठा दें है ना तो ट्राम्प में इसी तरीके से होता है ठीक आई होप अब याद रहेगा नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें शिपर तो लीनर शिपिंग में एक से ज्यादा शिपर होते हैं और जनरली अगर ट्रैम्प शिपिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही शिपर होता है ठीक है नेक्स्ट बात करें अगर शिप टाइप्स की तो अगर आप ये पॉइंट याद रखना चाहते हैं तो रखिए वरना कोई बात नहीं ठीक है लेकिन अगर किसी को याद रखना है, रख ले जैसे कन्वेंशनल लाइनर्स हो गए कंटेनर्स हो गए लैश हो गए ये सब आपके लाइनर शिपिंग में आते हैं और ट्राम्प में बल्क कैरियर हो गए टैंकर्स हो गए ये सब आपके किस में आ जाते हैं ट्राम शिपिंग में आ जाते हैं ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्इस अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि वॉइस का क्या मतलब होता है अगर सिंपल वर्ड्स बताऊं जब आपका शिप एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसके बीच में जो टाइम लग रहा है उसी को वॉइज कहा जाता है ठीक है सो इन लॉ द टाइम ऑफ अ ट्रांजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज एज ठीक है ये होता है हमारा वॉइज तो यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है लीना शिपिंग में मोस्टली मोर देन टू पोर्ट्स तो यहाँ पर जो ट्रांजिट होता है जो शिप आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो यहाँ पर दो से ज्यादा पोर्ट्स को यूज किया जाता है और मोस्टली जो पोर्ट टाइम होता है वो ज्यादा होता है आपके वॉइज टाइम से लेकिन अगर ट्राम शिपिंग की बात करें तो ये सिर्फ दो पोर्ट्स के बीच में ही होता है और इसमें वॉइस टाइम ज्यादा होता है पोर्ट टाइम से लीनर में क्या होता है लीनर में ऐसे याद रख लो आप लोग पीटी पीटी ज्यादा होता है आपका वीटी से ठीक है और यहां पर याद रख लो वीटी ज्यादा होता है पीटी से एक जगह याद रख लो कि ये तो याद ही रहेगा कि दूसरी जगह उसका रिवर्स ही होगा क्योंकि तभी तो तो वो डिफरेंस है ठीक तो स्कूल में करते थे ना हम लोग पीटी टीचर करवाती रही होंगे आपके गेम्स टीचर भी तो बहुत ज्यादा पीटी करवाती थी है ना तो इस तरीके से याद रखना की पीटी बहुत ज्यादा करवाती थी में, मतलब क्या हुआ कि लीनर में पीटी पहले आएगा और जब लीनर में पीटी पहले आएगा तो ट्राम में पीटी बाद में ही आएगा ठीक आई होप याद हो जाएगा

हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स को भी क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये एक्सपेंसिव होना ही है ठीक ट्राम शिपिंग की बात करें तो वो चीप होता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है कार्गो की वैल्यू होती है वो भी लो होती है और साथ ही नॉन स्टैंडर्डाइज फॉर्म है तो ये चीप हो गई तो कुछ चीजों को तो आप खुद से अगर इंटरलिंक भी करेंगे तो भी याद हो जाएंगे उसको याद बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शिप ओनर को चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो ठीक है है छोड़ दो इस पॉइंट को नेक्स्ट आपका शिप ऑपरेशन टू ऑपरेट मेनी वेसिल्स फ्लीट डिजाइन इज अ मस्ट फ्लीट साइज वेरीज अपॉन टोनेज रिक्वायरमेंट एंड वॉइज फ्रीक्वेंसी और ट्राम्प क्या बोल रहा है पॉसिबिलिटी टू सर्व विद लेस वेसिल सर्विस डिपेंड ऑन द कार्गो नॉट द देखिए लीनियर को आप स्टैंडर्डाइज से अगर याद रखेंगे ना तो काफी पॉइंट्स वहीं से निकल आएंगे अब हमने जैसे याद रखा है कि लीनियर क्या है स्टैंडर्डाइज है स्टैंडर्डाइज है तो इसका मतलब है कि जो इसकी फ्लीट डिजाइन है वो एकदम अप्रोप्रिएट होगी ठीक यहाँ पर दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि मेनी वेसल्स को यहाँ पर ऑपरेट किया जा सकता है एक से ज्यादा वेसल्स को यहाँ पर वो इजिल ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन ट्राम शिपिंग में क्या बोल रहा है की पॉसिबिलिटी है टू सर्व विद लेस वेसल ज्यादा वेसल्स को यहाँ पर ऑपरेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो मेजर इंफोसिस है वो किस पे होता है कार्गो पे होता है ना कि रूट पे क्योंकि रूट तो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होता है यहाँ पर मेजर इंफोसिस किस पे रहता है कार्गो पे कार्गो कैसा रहता है आपका बल्क कार्गो रहता है लो वैल्यू का ठीक है ना आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट और यहाँ पर क्या बोल रहा है फ्लीट साइज वेरीज अपॉन टोनेज रिक्वायरमेंट एंड वॉइस फ्रिक्वेंसी तो टोनेज रिक्वायरमेंट और वॉइस फ्रिक्वेंसी पे आपका फ्लीट साइज यहाँ पर वेरी करता है आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फ्लीट साइज क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं एक से ज्यादा वेसल्स की बात कर रहे हैं ना मेनी वेसल्स की बात कर रहे हैं तो जब काफी ज्यादा वेसल्स हो जाएंगी तो वो ऑब्वियसली बात है वो फ्लीट ही कहलाएंगे तो इसीलिए इसी, इसी कॉन्टेक्स में आप फ्लीट साइज लिखा हुआ है ठीक है आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है और इसमें फ्लक्चुएटिंग होता है ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा हो यहाँ तक सो आई होप आप लोगों को अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा लीनर शिपिंग सर्विस और ट्राम शिपिंग सर्विस के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो भी लिख लेंगे शॉर्ट नोट्स पूछता है तो भी लिख लेंगे ठीक है शॉर्ट नोट पूछता है अगर लीनर का तो आप इतना डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा ट्राम में पूछता है तो आपको इतना डिटेल यहाँ पर लिखना है ठीक और यहाँ पर एक चीज नहीं मेंशन ये बता देती हूँ ये दिया हुआ है आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन ठीक है अगर किसी डिफरेंस में आप इस तरीके से लिखते हैं ना बेसिस ऑफ कंपैरिजन और फिर इसका डिफरेंस तो ये अच्छा भी लगता है प्रेजेंटेबल भी और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि किस बेसिस आपने डिफरेंशिएट किया है और वो इन्हीं पॉइंट्स को देख के भी समझ जाता है कि आगे, आगे आपने क्या लिखा भी होगा ठीक तो जहां पर पॉसिबल हो बेसिस ऑफ कंपैरिजन जरूर लिखिए जहां पर नहीं है तो नॉर्मल अपना डिफरेंस ही प्रोवाइड कर दीजिए ठीक अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि चार्टर का मतलब क्या होता है काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है सो अ चार्टर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स नोन एज चार्टर पार्टीज रिगार्डिंग द लीजिंग ऑफ अ अ फॉर सेट ऑफ कंडीशन तो चार्टर बेसिकली क्या होता है आपका एक अग्रीमेंट होता है दो या दो पार्टीज या ग्रुप के बीच में जिसको हम क्या कहते हैं चार्टर पार्टी चार्टर पार्टी किसको कहते हैं जो चार्टर अग्रीमेंट में जितनी भी पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं वो चार्टर पार्टीज कहलाती हैं और ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट किस लिए बनता है कोई भी वेसल को एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए अगर हमें लीज पे लेना है मतलब अगर हमें रेंट पे लेना है उस पर्टिकुलर चीज के लिए ये चार्टर अग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है ठीक द टर्म्स एंड कंडीशन इन द चार्टर आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज इन द अग्रीमेंट एंड कवर अ वाइड ऑफ वेराइटीज एंड पॉसिबल बाइंडिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको मानना ही पड़ेगा मतलब कि चार्टर अग्रीमेंट में जितनी भी पार्टीज आपकी इन्वॉल्व हैं सारी की सारी पार्टीज को जो भी चार्टर अग्रीमेंट में जो भी चीजें लिखी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी मेंशन है सारी की सारी पार्टीज को यहाँ पर उसको मानना पड़ेगा दे आर बाइंडिंग ठीक है यहाँ पर वॉल्ट्री कुछ भी नहीं है मानना पड़ेगा ही

बाइंडिंग है, अग्रीमेंट है ऊपर से बाइंडिंग है, तो सीधी बात है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन ही जाएगा। देखिए सिर्फ अग्रीमेंट होता और बाइंडिंग ना होता तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते थे कि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा ठीक लेकिन अग्रीमेंट है प्लस बाइंडिंग है इसका मतलब है कि लॉ की नजर में इसकी कुछ अहमियत है इसीलिए ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहलाता है ठीक बात सो so, ओनर इज द फर्स्ट पार्टी इन द चार्टर अग्रीमेंट हु जो शिप ओनर होता है वो यहाँ पर पहली पार्टी होता है जो की वेसिल का कौन होता है ओनर होता है द चार्टर इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु इज इन नीड ऑफ अ शिप ठीक अब देखो यहाँ पर दो पार्टीज की बात करी गई दो पार्टीज की यहाँ पर बात करी गई है ठीक एक है आपका शिप ओनर ऑब्वियसली बात तो शिप ओनर कौन है जिसका वेसल है है जिसकी शिप ठीक और दूसरा यहाँ पर कौन है चार्टरर चार्टरर कौन जिसको शिप की रिक्वायरमेंट है अब ये चार्टर आपका एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है ठीक है द चार्टर मे टू ट्रांसपोर्ट और मे फर्दर लीज आउट द वेसल टू थर्ड पार्टीज अब जो चार्टर है हो सकता है उसके पास कुछ कार्गो हो जिन्हें उसको ट्रांसपोर्ट करना है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारा चार्टरर है ये एक पर्टिकुलर वेसल को आगे फर्दर क्या करना चाह रहा है लीज पर किसी और पार्टी थर्ड पार्टी को देना चाह रहा है तो दो पर्पस हो सकते हैं कि जो चार्टरर है वो वेसल की रिक्वायरमेंट मांग रहा है या फिर उसको वेसल की नीड है पहली ये कि हो सकता है उसको अपने कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना हो और ये भी हो सकता है कि उसको फर्दर लीज पे देना हो किसी और थर्ड पार्टी को ठीक मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ पढ़ा रही हूँ आपको उससे याद भी हो जाएगा और समझ भी आएगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट देखा है वो क्या कहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ते हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हो दैट इट तो मुझे लगता है कि अगर कहीं पर कुछ चीजों को सिर्फ उसी तरीके से ट्रांसलेट करके समझाया जा सकता है तो उसमें मैं कुछ अलग तकनीक क्यों लगाऊं है ना अगर आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंच रही है तो मैं उसमें क्यों और जहां मुझे पता है कि आपको नहीं क्लियर होगा मैं वहां पे आपको छोटे छोटे निमोनिक्स बता देती हूँ अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था पीटी और वीटी वाला है ना तो ठीक है अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है तो मैं टाइम टू टाइम इम्प्रूव भी कर रही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं लेकिन मैं उनको हिंदी में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती तो उनके लिए मुझे ये करना पड़ता है तो आप लोग सबको सोच समझ के बोला करिए ठीक है सबको लेके चलना ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ सबके लिए ही बराबर काम करना चाहती हूँ चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो ठीक है चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक की तरफ द शिप ब्रोकर इज अ लिंक बिटवीन शिप ओनर एंड चार्टर एंड इड्स इन फाइनलाइजिंग द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट तो शिप ब्रोकर क्या होता है तरीके से लिंक होता है शिप ओनर चार्टर के बीच में जो कि डील को फाइनल करवाते है इसको इस तरीके से समझ लीजिए जैसे आपकी शेयर मार्केट होती है उसमें ब्रोकर होता है तो ब्रोकर का भी क्या काम होता है उसमें डील को फाइनलाइज कराना तो यहाँ पर भी शिप ब्रोकर का सेम ही काम है ठीक द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट इंक्लूड द ड्यूरेशन ऑफ लीजिंग फीस पेमेंट इंस्टॉलमेंट जो आपका चार्टर अग्रीमेंट होता है ये क्या होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसका मतलब स्टैंडर्डाइज इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें हर एक चीज मेंशन होगी हर एक चीज स्पेसिफिकली बताई होगी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से मेंशन होंगी ठीक है तो ड्यूरेशन ऑफ लीजिंग कितने टाइम के लिए लीज पर लिया जा रहा है कितने टाइम के लिए देना है फीस क्या होगी पेमेंट इंस्टॉलमेंट किस तरीके से देनी है किस तरीके से यूसेज होना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि शिप की कंडीशन कैसी है इसका भी सर्वे किया जाता है तो उसकी सर्वे की रिपोर्ट भी यहाँ पर लगाई जाती है ठीक है तो पेमेंट इन टर्म्स एज अ फ्रेट रेट एंड इज रेमिटेड टू द शिप ओनर एट अ फिक्स इंटरवल डिसाइडेड इन द

वी हो ठीक है उसके साथ साथ हो सकता है कि जो कार्गो है उसकी वैल्यू ज्यादा हो अगर शिप की कंडीशन सही नहीं है पता चला हमारे कार्गो को कुछ डैमेज हो गया तो हमको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है इसीलिए सर्वेयर की रिपोर्ट लगना बहुत ज्यादा जरूरी होती है जिससे पता चल जाता है कि जो वेसल की कंडीशन है वो कैसी है वो सी वर्दी है या नहीं है ठीक सिमिलरली ऑन कंप्लीशन ऑफ अ चार्टर अग्रीमेंट एंड बिफोर फाइनल पेमेंट फॉर्मेलिटीज

मिसहैपनिंग हो जाए गुड्स डैमेज हो जाए ठीक है तो इसको भी पहले देख लिया जाता है ठीक सो द चार्टर अग्रीमेंट लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ग्रुप एंड द द कंडीशन इन वेसल इज टू बी मेंटेन तो चार्टर अग्रीमेंट के अंदर जितनी भी हमारी पार्टीज है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफिकली मैं रहती है और साथ में हमारे जो वेसल है उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए ये कंडीशन ये सब चीजें भी उसमें मैंशन होती है प्रॉपरली ठीक है आई होप समझ में आया होगा ये तो यहाँ पर तीन टाइप के चार्टर की बात करी गई है एक है हमारा वॉइस चार्टर दूसरा है टाइम चार्टर और तीसरा है हमारा डिमाइस चार्टर या जिसे हम बेयर बेयरबोर्ड चार्टर भी कहते हैं ठीक है सो द डिमाइस चार्टर इज ऑफन नोन एज बेयर बोर्ड चार्टर एंड ग्रांट्स ओनरशिप और पोजेशन ऑफ द वेसल टू द चार्टर सब्जेक्ट टू सर्टेन टाइम बाउंड कंडीशन अब इसको आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आई होप अभी जितना बताया उतना समझ में आ गया होगा कि चार्टर क्या होता है चार्टर अग्रीमेंट क्या होता है चार्टर पार्टीज़ क्या होती है ठीक तो अब एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं वॉय है चार्टर की सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज इन विच द चार्टर पेज फॉर यूज ऑफ शिप्स कार्गो कैपेसिटी फॉर वन और समाइम्स मोर देन वन वॉयज अब देखिए इसको आप नाम से समझने की कोशिश करिए तो आपको समझ आ जाएगा अभी मैंने आपको वॉयज का क्या मतलब बताया था मेरी टाइम लॉ के अकॉर्डिंग वॉयज का मतलब ये होता है कि जब हमारा शिप या वेसल एक जगह से दूसरी जगह जाता है ट्रांसपोर्ट करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट्स को या फिर कार्गो को भेज रहा है तो वो क्या कहलाता है वो जो टाइम पीरियड होता है वो वॉयज कहलाता है ठीक है तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज इन विच द चार्टर पेस फॉर द यूज ऑफ शिप्स कार्गो कैपेसिटी फॉर वन और समटाइम्स मोर देन वन वॉइस हो सकता है एक वॉइस के लिए यूज करें या फिर हो सकता है एक से ज्यादा वॉइस के लिए यूज करें वॉइस का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं कि जो हमारा शिप है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और फिर बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आया ठीक है तो ये एक पूरा से कह सकते हैं ना साइकिल कंप्लीट होती है तो हो सकता है ये एक बार हो या एक से ज्यादा बार यूज किया जाए तो वहां पर ये वॉइस चार्टर का होता है ठीक है तो द शिप ओनर शिप इंक्लूडिंग कार्गो हैंडलिंग चार्जेस आर सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज तो जो हमारा शिप ओनर होता है वो ही क्या करता है सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को यहाँ पर पे करता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा टाइम चार्टर वॉइज में क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स जा रहे हैं या कार्गो जा रहा है या एक जगह से ज्यादा जगह पर कार्गो जा रहा है तब वहां पे वॉयस चार्टर यूज कर रहे हैं टाइम मतलब हो गया जहां पर हम टाइम बाउंड बात करेंगे ठीक है सो द हायर ऑफ अ शिप फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर हम शिप किस लिए हायर कर रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर शिप को किस लिए हायर किया गया था एक या एक से ज्यादा वॉयज को यहाँ पर कवर करने के लिए अपने कार्गो को एक से ज्यादा वॉयज के थ्रू पहुंचाने के लिए ठीक है तो द ओनर प्रोवाइड द शिप विद क्रू क्रोर्स एंड प्रोविजन रेडी इन ऑल एस्पेक्ट टू लोड कार्गो एंड प्रोसीड ऑन अ वॉय तो यहाँ पर जो आपका शिप ओनर होता है वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आपको क्रू भी देता है स्टोरेज की फैसिलिटी भी देता है ताकि आप गुड्स को या कार्गो को इजिली लोड कर सको ठीक द चार्टर पीस फॉर बंकरिंग एंड ऑल वॉयज रिलेटेड एक्सपेंसिस इंक्लूडिंग कैनल टोल्स एंड पोर्ट चार्जेस तो टाइम चार्टर में कौन पे करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट को यहाँ पर चार्टर पे करता है लेकिन वॉयज वो कौन करता है शिप ओनर करता ये चीज़ है ये चीज याद रखिएगा ठीक है ना लास्ट है इसमें हमारा बेयर बोर्ड चार्टर देखो बेयर बेयरबोर्ट का क्या मतलब होता है खाली बोर्ड दे देना ठीक अब इसमें और आपका जो टाइम चार्टर, है, चार्टर इसमें जो डिफरेंस मेजर होता है वो ये होता है कि अभी हमने बात करी टाइम चार्टर में तो उसमें आपको क्रू भी प्रोवाइड कर दिया सारे प्रोविजंस को फॉलो भी करना है और आपके कार्गो को लोड करा देगा लेकिन बेरबोर्ड चार्टर में क्या होता है जो भी चार्टर पार्टी होती है जो भी वेसल को लीज पर ले रही होती है उसी की पूरी जिम्मेदारी होती है यहाँ पर कि वो वेसल का ध्यान रखे उसकी कंडीशन का ध्यान रखे जितने भी एक्सपेंसेस है वही सब पे करिए एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चार्टर होता है वो यहाँ पर एक तरीके से ओनर हो जाता है उस पर्टिकुलर बोट का ठीक फिर उसके बाद जो भी उसके साथ एक्सपेंसेस लग रहे हैं या जो भी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो सब कौन बियर करेगा फिर चार्टर ही बियर करेगा ठीक है तो so, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है द लीजिंग ऑफ एन एम शिप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ स्पेसिफिक फी इन दिस अरेन्जमेंट

तो द चार्टर इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग क्रूइंग एंड इंश्योरेंस मैंने आपको बताया कि जो आपका चार्टर है उसकी पूरी यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है एक तरीके से समझ लो कि बेयर वोट चार्टर में जो चार्टर है वो आपका ओनर बन जाता है और ओनर की अपनी चीजों को लेके सारी जिम्मेदारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो यहाँ पर उसका भी यही होता है डी फैक्टो का मतलब सीधे यही है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उसको यहाँ पर बनाया गया है फुल टाइम के लिए वो ओनर नहीं हुआ है ठीक है आई होप तीनों समझ में आ गए होंगे और अब आप डिफरेंस भी लिख लोगे तो so आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाइट चार्टर क्या होता है टाइम चार्टर क्या होता है और बेयर बेयरबोर्ड चार्टर या फिर डिमाइस चार्टर किसे कहते हैं ठीक अब बेयर बेयरबोर्ड चार्टर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डिटेल कम मेंशन है ठीक सो द बेयर दरबोर्ड चार्टरिंग इज अ चार्टर ऑफ अ डिफरेंट टाइप

जो चार्टरर होता है वही एक तरीके से कह सकते तो हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए शिप या वेसल का ओनर होता है ठीक है सो द चार्टरर दस विल टेक ओवर ऑलमोस्ट ऑल द शिप ओनर्स फंक्शन एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट तो जितने भी फंक्शंस आपके शिप ओनर के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट दिस मींस दैट द चार्टरर विल हैव द commercial as well as द technical responsibility for the vessel and will pay for the maintenance, crew cost and insurance etc. ठीक तो कैपिटल कॉस्ट के अलावा जितनी भी हमारी कॉस्ट है कमर्शियल कॉस्ट हो या फिर टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉस्ट हो वेसिल की सारी की सारी कौन बियर करेगा चार्टर बियर करेगा ठीक है ना आई होप अब ये चीजें पूरी अच्छे से समझ में आ गए होंगे वो आप भूलेंगे भी नहीं हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स को तो, तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यहाँ पर मैंने आपको एक कंपैरिजन चार्ट टाइप का प्रोवाइड कर दिया है वॉइस टाइम और डिमाइस या फिर जिसको हम बेयरबोर्ड कहते हैं ठीक है इसके बीच में ताकि आपको एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आ पाए कि क्या है अभी आपको समझ में तो आ गया लेकिन चीजों को कंपेयर करने पर आना चाहिए हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले कि वॉइस और टाइम चार्टर के बीच में डिफरेंस बताइए हो सकता है पूछ ले वॉइस और डिमाइस के बीच में क्या डिफरेंस है टाइम और डिमाइस के बीच में क्या डिफरेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस कहाँ कहाँ लाइक करते हैं ठीक है ना सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ चार्टर हायर तो किस बेसिस पे यहाँ पर चार्टर हायर करता है तो ये है आपका वॉयज में क्या है कार्गो टोनेज के बेसिस पे टाइम में शिप की कैपेसिटी के बेसिस पर हायर किया जाता है और डिमाइस में भी शिप की कैपेसिटी के बेसिस पर ही चार्टर क्या करता है हायर करता है शिप या फैसल को ठीक नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ चार्टर पार्टी वॉइज में क्या है स्पेसिफिक वॉयज के बेसिस पे ठीक है वॉइज में क्या होगा ऑफिस बात है स्पेसिफिक वॉइज के बेसिस पे यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन डिसाइड होती है टाइम में क्या होगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए वेसल चाहिए रेंट पे या लीज पे और डिमाइस में भी क्या है पीरियड ऑफ टाइम की ही बात यहाँ पर की जाती है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो हमारा चार्टर होता है वो क्या होता है ओनर होता है तो उसको इस तरीके से याद रखिएगा ठीक एक्सट बात कर लेते हैं जोग्राफिक लिमिट्स की तो यहाँ पर वॉइज में सिर्फ पोर्ट टू पोर्ट जा सकते हैं यहाँ पर टाइम में क्या है बाय एरिया लिमिट्स डिसाइडेड होती है और डिमाइज में भी बाय एरिया लिमिट्स डिसाइड होती हैं ठीक नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ तो इसकी मेंटेनेंस कौन करता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वॉइस में ओनर की होती है टाइम में भी ओनर की होती है लेकिन चार्टर की होती है किसमें डिमाइज में है ना ठीक अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है और क्यों जा भी रही है ठीक है इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ रक्टाफ्रिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है चीजों को समझे रहेंगे तो लिखने में भी आसानी रहेगी वरना वहां यही सोचते रह जाएंगे कि टाइम में क्या था डिमाइस में क्या था और वॉइज में क्या था ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है पोजेशन कमांड ऑपरेशन एंड नेविगेशन तो ये किसका रहता है वॉइज में ओनर का रहता है टाइम ओनर का रहता है और डिमाइस में चार्टर का रहता है ठीक नेक्स्ट है एम्प्लॉयर ऑफ क्रू तो वॉइज में क्या रहता है ओनर का रहता है बात है टाइम में ओनर का और यहाँ पर चार्टर पूरी जिम्मेदारी डिमाइस में चार्टर की ही होती है ओनर की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ नहीं होती है ठीक नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर अंडर डायरेक्शन ऑफ द वॉइज ओनर के अंडर में ही होता है टाइम में किसके अंडर होता है चार्टर के अंदर होता है ठीक है और डिमाइस में तो चार्टर के अंदर ऑलरेडी होता ही होता है ठीक नेक्स्ट है फ्यूल कॉस्ट पोर्ट एंड हार्बर फी यहाँ पर ओनर पे करता है टाइम में कौन पे करता है चार्टर पे करता है अभी मैंने भी आपको बताया था ना कि उसमें जो भी आपके ऑपरेशन एक्सपेंसेस होते हैं या ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो कौन बियर करता है चार्टर बियर करता है टाइम में भी ठीक और डिमाइज में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर तो आप ब्लाइंडली लिख सकते हैं कि चार्टर ही करेगा ठीक है नेक्स्ट है हल एंड मशीनरी इंश्योरेंस तो यहाँ पर आपका ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाइम में भी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डिमाइस में अगर बात करें तो ये नेगोशिएबल होता है नेगोशिएबल यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चार्टर हो, हो सकता है कहे कि नहीं मैं ही सिर्फ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा या फिर ओनर कहता हो कि मैं ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो यहाँ पर चीज़ों को क्या कहा जाता है नेगोशिएट किया जा सकता है कि कुछ एक दूर तक या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो है हमारा चार्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें ले और कुछ एक टाइम पीरियड तक फिर

जो आपका डिमाइज चार्टर भी होता है ये भी आपका टाइम के बेसिस पर ही होता है तो यहाँ पर भी हम मंथली पे करते हैं शिप ओनर को ठीक नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पर कॉम्पनसेशन की तो वॉयज में फ्रेट होता है टाइम में और आपका डिमाइज में हायर होता है ठीक है अब अगर जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन यहाँ पर मैंने उसको इंक्लूड किया था इसलिए सब चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी तो जो जो पॉइंट्स अभी मार्क कर दे रही हूँ वही वही आप याद कर लीजिएगा ठीक है सबसे पहले तो ये पॉइंट है दूसरा ये पॉइंट है हमारा ठीक तीसरा पॉइंट ये चौथा ये पांचवा पॉइंट ये हमारा नेक्स्ट ये हो जाएगा फिर उसके बाद आपका ये और ये ठीक है जितने पॉइंट्स मैंने स्टार लगाया है इतने पॉइंट्स ही आप याद कर लीजिएगा इससे अच्छा आप ये करिए कॉपी में अपनी इसी तरीके से चार्ट बनाइए और जितने पॉइंट आप मार्क करे हैं वो सब एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि पढ़ने में आसानी भी रहेगी और रिवाइज भी अच्छे से कर लेंगे और याद भी हो जाएगा ठीक है तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था उम्मीद करती हूँ कि सेशन से काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी इससे पहले भी जो आपको सेशन प्रोवाइड किया है उस उसमें भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है काफी पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिले तो काफी अच्छा लगता है इसीलिए आप लोग को वीडियोज में टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहती हूँ लेकिन इधर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था वीडियोस इसलिए नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी तो कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करना चाहती हूँ कोशिश करूँगी कल भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय टेक केयर